देखिए भौतिक विज्ञान कक्षा 11 मापन और मात्रक में आज हम लोग जो है सार्थक अंकों का प्रयोग करेंगे जोड़ व घटाना में व गुणा व भाग में। ठीक है, तो चलिए जोड़ और घटाना में कैसे हम जो है सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं उसका नियम लिखिए, फिर गुणा व भाग में उदाहरण द्वारा भी समझिए। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए जोड़ व घटाने घटाना की संक्रिया में हेडिंग डाल दीजिए, उसमें लिखिए देखो जोड़ व घटाने के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम, जोड़ व घटाने के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखना चाहिए जितना दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली माप होती है। इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 25.46, 3.987, 2.5 और 0.067। अब इसको हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ दीजिए ना। कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखो, यहाँ पर इसके सीधे पूछने 7, ठीक, इसका जो है हो जाएगा 7×6=13 हो जाएगा, और 8×6=14=15, और 5×6=9=15=4=19, और 2×1=3=3, 6×5=11, और 2×1=3। तो देखिए हमारा योगफल इतना है ना, तो परिणाम में हमें कई अंक तक दशमलव रखना है, जितना सबसे कम दशमलव वाला अंक हो। तो सबसे कम कितना है इसमें, 1, 2, इसमें दशमलव संख्या कितनी है 2, इसमें कितना है 1, 2, 3, इसमें कितना है 1, इसमें 1, 2, 3, 4, तो हमें दशमलव बाद कितना स्थान रखना है 1, सबसे कम क्या है 1 ना, 1 अंक तक मान रखना है, दशमलव बाद 1 स्थान लीजिए। इसको सही उत्तर क्या होगा, हमारा सही परिणाम 31.1 बाद 1 स्थान तक रखना है मान। चलिए अब रखने का क्या नियम है उसको भी समझिए, जैसे दशमलव बाद 1 स्थान तक मान रखना है तो आगे का देखेंगे। ठीक, अगर आगे का अंक 5 या 5 से अधिक है, ठीक, बगल वाले में एक जोड़ देते हैं, बगल वाले में एक जोड़ देते हैं, अगर यह 5 से कम है तब सारा छोड़ देते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बगल वाला देख रहे हैं 5 या 5 से अधिक, मतलब 5 रहेगा तभी जोड़ेंगे, 5 से अधिक रहेगा तभी, साइड में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 9×1=10 हो जाएगा, एक हासिल इसमें हो जाएगा 32.0, कितना आएगा आंसर 32.0। बस हो जाए, फिर से एक उदाहरण देख लो, यह पहला है, दूसरा देखो 4.3 और 2.65 और 2.42, इसको जोड़िए 5×2=7, 6×4=10=13, 13×4=6=7, इसका सही परिणाम क्या होगा 7.0, इसमें दशमलव संख्या 1, इसमें दशमलव संख्या 2, इसमें दशमलव संख्या 2, तो हम दशमलव बाद कितना अंक रखेंगे 1, सबसे कम दशमलव बाद 1 अंक रखिए, 5 से ज्यादा है ना, 5 या 5 से अधिक रहेगा तो साइड में एक जोड़ देंगे 7.4। ठीक, घटाना का भी देख लीजिए, तीसरा ऐसे मान लो 10.01 में दशमलव
नौ चार छ माइनस करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ पे तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे हम जीरो मानेंगे, लिखेंगे नहीं, जीरो लिख देंगे तो तीन अंक हो जाएगा। यहाँ हम क्या मानेंगे, जीरो क्या मानेंगे, तो इसको उधार दे, दस में चार निकला छ, दस में छह निकला चार, यहाँ जीरो बचेगा, ठीक उधार लेगा, फिर नौ से चार का पांच, फिर नौ से नौ का जीरो, ठीक यहाँ क्या बचेगा नौ, यही बचेगा। तो सही परिणाम क्या होगा बताओ, सही परिणाम क्या होगा, इसमें दशमलव बाद कितने अंक है, दो, इसमें कितना है तीन, तो हमें दशमलव बाद कितना अंक रखना है, दो, तो रखिए दो अंक रखना है, नौ दो अंक रखना है, तो आगे वाला देखेंगे, आगे वाला पांच से कम है ना सारा छोड़ देंगे, पांच से कम रहेगा सारा छोड़ देंगे, हो जाएगा नौ दशमलव जीरो पांच, ठीक। और एक आध को देखिए ध्यान से, चौथा जैसे छप्पन में दो दशमलव पांच जोड़िए, छप्पन में दो दशमलव पांच दो जोड़िए, कितना हो जाएगा दो, यहाँ पांच, यहाँ दशमलव, छह दो आठ पांच, ध्यान से देखो दशमलव बाद इसमें कितने अंक है, जीरो, मतलब एक भी नहीं है ना, इसमें दशमलव बाद कितना है दो, तो हमें परिणाम में क्या लिखना होगा, सही परिणाम हमारा क्या होगा, दशमलव बाद इसमें एक भी अंक नहीं है, तो दशमलव बाद हमारा उत्तर में भी एक भी अंक नहीं होना चाहिए, ठीक। अट्ठावन है ना, ये बगल वाला इसमें एक इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा उनसठ, ठीक, ये वाला पांच से ज्यादा है, पांच या पांच से अधिक रहेगा साइड में एक जोड़ देंगे, ठीक। दस छह का चार, फिर दस छह का यहाँ छह होगा, ठीक, अब सही है ना, हमें जितने अंक तक लिखना है उसके आगे वाला अंक देखना है, जैसे यहाँ पे दो अंक तक दशमलव लगाना है, तो हम क्या करेंगे दशमलव का तीसरा अंक देखेंगे, तीसरा अंक देखेंगे कि यह पांच या पांच से अधिक होगा तो बगल वाले में एक जोड़ेंगे, अगर पांच से कम होगा तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरा है जुड़ा हुआ भाग की संक्रिया में कैसे हम जो है इसका परिणाम लिखते हैं, उसको ध्यान से देखिए, देखिए इसका नियम क्या है, देखिए विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करते समय, विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए, केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में है, सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में है, ठीक। हाँ देखिए उदाहरण, लंबाई 4.3 सेमी, चौड़ाई 3.12 सेमी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 4.3 गुणे 3.12, इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 13,416 ना, और 1, 2, 3.2 लगाइए, ठीक है। अब देखिए अब सही परिणाम क्या लिखना है, इसका सही परिणाम इसका होगा, चलिए इसमें सार्थक अंक देखते हैं, क्या देखते हैं दशमलव नहीं सार्थक अंक, इसमें कितना सार्थक अंक है दो, सार्थक अंक कितना है, इसमें कितना सार्थक अंक है, तो हमारा उत्तर जो आएगा उसमें कितने सार्थक अंक होंगे दो, सबसे कम सार्थक अंक,
ठीक है दो। तो चलिए हमारे उत्तर में कितना सार्थक अंक आया, एक दो तीन चार पांच तो आया है, हमें कितना लिखना है दो, 13 लिख लीजिए। इसको देखिए पांच से कम है ना तो सारा छोड़ देंगे, अगर पांच से ज्यादा रहेगा तो इधर एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो 13 सेमी स्क्वायर होगा आंसर, समझ में आया। सार्थक अंक क्या आता, इसमें एक दो हो गया, इसमें एक दो तीन हो गया, गुणन में तो सबसे कम सार्थक अंक लिखेंगे दो है। हाँ तो पहला एग्जाम्पल हो गया, हम दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है विस्थापन ज्ञात में 5 सेमी, समय कितना है 3 सेकेंड, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, मान लीजिए दूरी हमें निकालना है, क्या अरे वो वेग निकालना है, हम क्या लिखेंगे सूत्र, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है 1105/3, ठीक है। तो भाग दे दीजिए 3×9=5, 3×8=24, 3×9 इतना मीटर पर सेकेंड आएगा, सेमी पर सेकेंड है, ठीक। अब करना क्या है ध्यान से देखिए, अब इसमें कितना सार्थक अंक है, एक दो तीन, सार्थक अंकों की संख्या कितना है 3, इसमें कितना है 1, तो हमारा उत्तर कितना होना चाहिए 1, 1 सार्थक अंक है। अब चलो इसमें एक दो तीन सार्थक अंक है तो हमें 1 सार्थक अंक चाहिए, तो कैसे लिखेंगे सही परिणाम, इसका सही परिणाम बराबर होगा हमारा, ये देखो 5 से ज्यादा है ना, हमें 1 सार्थक अंक लेना है तो आगे वाला देखेंगे ये वाला, तो 5 या 5 से अधिक रहेगा तो साइड में एक जोड़ देंगे, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 सेमी पर सेकेंड, ठीक है। संदिग्ध अंक देखिए, किसी भी मापन में प्रेषण का अंतिम अंक किसी भी मापन में प्रेषण का अंतिम अंक उस मान के यथार्थ उस मान के यथार्थता को प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए उसे संदिग्ध अंक कहते हैं, जैसे जैसे किसी छड़ की लंबाई, छह दशमलव तीन चार के बीच होने पर सही लंबाई कितना हम मानेंगे 6.3, कितना लिखेंगे, क्योंकि 6.24 यहाँ पे, 6.34 यहाँ पे, यहाँ समझ लो 24, यहाँ क्या है 34, तो बीच का क्या होगा 30, क्या होगा 30, तो 6.30 को हम लोग 6.3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ संदिग्ध अंक क्या है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध अंक 3 है, क्या है 3। यदि हमें किसी माप के परिणाम को दशमलव
एक स्थान तक लेना हो तब उसके नियम निम्न है। मतलब कोई भी माप है, अगर हमें उस माप में दशमलव के एक स्थान तक मान लेना है तब उसका नियम क्या है, उसको ध्यान से देखो। पहला नियम है दशमलव के बाद का दूसरा अंक देखने पर वह पांच या पांच से अधिक है तब पहले अंक में एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है। जैसे लंबाई 6.367, ठीक है, सेम हमें कितना लेना है, दशमलव के एक स्थान तक मान लेना है। यहाँ हम लिखे हैं दशमलव के एक स्थान तक मान लेना है। जब दशमलव के एक स्थान तक लेना है तो हम क्या करेंगे, दूसरा अंक देखेंगे। कौन सा अंक देखना है, दशमलव के बाद का दूसरा अंक, या पांच से अधिक होगा तो बगल वाले में जोड़ देंगे। तो सही माप कितना होगा हमारा, 6.4 सेमी। और एक बात और ध्यान दो, पहले समझो ध्यान से, अगर हमें दशमलव के बाद दो स्थान तक मान लेना है तब किसको देखेंगे, तीसरे अंक। एक स्थान तक लेना है तो हम दूसरा अंक देखते हैं, दो स्थान तक लेना होगा तो तीसरा अंक देखेंगे, तीन स्थान तक लेना होगा तो चौथा अंक, माने जिस स्थान तक मान लेना है उसके एक अंक का आगे का देखते हैं, ठीक है। चलो पहला नियम है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा नियम क्या है, दशमलव के बाद का दूसरा अंक देखने पर वह पांच से कम है तब पहले अंक में वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखो अलबराज 6.345, दूसरा अंक पांच से कम है ना, पांच से कम है कि नहीं, तब वृद्धि नहीं करेंगे। एल बराबर 6.3 से ही होगा सही माप, समझ में आया नहीं आया, समझ में। दूसरा अंक पांच से कम रहेगा तब पूरा छोड़ देंगे, जो है बस वही लिखेंगे, ठीक। एक नियम और है उसको भी लिख लो, यदि दशमलव के बाद का तीसरा अंक देखने पर शून्य है तब पहले अंक में वृद्धि नहीं करते हैं। पहले अंक मतलब दशमलव के पहले अंक में वृद्धि नहीं करते हैं। जैसे देखो 6.350 सेमी ऐसे है। अब देखो यहाँ पर पांच या पांच से अधिक है तब भी हम इसमें एक नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि तीसरा अंक क्या हो गया है मेरा, जीरो। मैं अभी अभी बताया, अगर दूसरा अंक पांच है या पांच से अधिक हो तो साइड में जोड़ दो, तो लेकिन ये सब में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर तीसरा अंक जीरो हो गया तब नहीं जोड़ेंगे। ये बराबर 6.3 से, समझा, ये नियम है। और यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ भी रहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक। हाँ देखिए अगला टॉपिक है हमारा कोटिमान, ठीक है। तो कोटिमान लिखिए, किसी राशि के निकटतम 10 की गुणक संख्या को 10 की गुणक संख्या को उस राशि के परिमाण की उस राशि के परिमाण की कोट या कोटिमान कहते हैं, कोट या कोटिमान कहते हैं, ठीक। तो कोटिमान ज्ञात करने का नियम लिख लो,
कोटिमान ज्ञात करने का नियम। पहला, सबसे पहले दिए गए मान को मानक रूप में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? मानक रूप में लिखते हैं। जैसे मानक रूप में देखो कैसे लिखा जाता है, जैसे 6.34 गुणे 10^25, मतलब दशमलव की इधर एक तो पूर्णांक रहेगा ना, दशमलव के इधर कोई पूर्णांक होगा, एक 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 रहना चाहिए एक पूर्णांक, उसको हम मानक रूप में बोलते हैं। ये क्या है? मानक रूप में है। अगर जैसे 523.5 यह मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में कैसे चेंज करना है? का मानक रूप, पहले मानक रूप में बदलना सीखो। इसको लिखो 5, 2, 3, 5, दशमलव को दो स्थान तक अपने तरफ खींचो, 1, 2 स्थान तक अपने तरफ लाएंगे तो हमें क्या करना होगा? घात में वृद्धि करना होता है। क्या करना होता है? वृद्धि, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो। जैसे इसको मानक रूप में लिखना है ना, सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, तो मानक रूप में कैसे लिखोगे? दशमलव को दो स्थान इधर खींचो, अपनी तरफ लाएंगे तो यहाँ वृद्धि करेंगे, जब दूर ढकेलेंगे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 5.235 × 10^0 2। क्यों हम यहाँ धन 2 दिए? दशमलव को दो स्थान तक अपनी तरफ लाए ना, तो 5.235 × 10^2 यह मानक रूप हो गया। क्या हो गया? तीसरा उदाहरण देखो मानक रूप का, जैसे 0.00065 × 10^7 है, इसका मानक रूप क्या होगा? ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, पहले लिख लेंगे आप 65 × 10^7 लिख लेंगे। ठीक, दशमलव को कितने स्थान तक उधर ले जाना है? 1, 2, 3 तक, 1, 2, 3 तीन स्थान तक हम अपने से दूर भेजे हैं, जब अपने से दूर भेजेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऋण लग जाएगा। समझ में आया? तो कितना आएगा? 6.5 × 10^10 हो जाएगा। यहाँ मतलब को नीचे लिखते हैं, जैसे है 0.0065 दशमलव को हमसे तीन स्थान दूर भेजिए इसको, 6.5 × 10^7 गिरती, 6.5 × 10^10। ठीक है, यह मानक है। क्या है? तो मानक रूप में अब चेंज कर लोगे ना, दशमलव हमें क्या लगाना है? ऋण लगाना है, दशमलव को पास लाना है तब प्लस, और मानक रूप में दशमलव की एक स्थान इधर क्या, दशमलव की इधर एक अंक होना चाहिए, नोट में लिख लेना, दशमलव का यह वाला स्थान केवल एक अंक होना चाहिए। ठीक, अब जैसे ऐसे लिख दिया गया तो मानक रूप नहीं है, इसको मानक रूप में कैसे बदलोगे बताओ? हाँ, दशमलव के एक स्थान तक अपनी तरफ लाओ, हो जाएगा 1.25 × 10^2 + 1 कितना हो जाएगा? 1.25 × 10^3 ये मानक रूप है। इसका एग्जाम्पल लिख लो अच्छे से। यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 से बड़ी है तब कोटिमान ज्ञात करते समय 10^10 में एक वृद्धि कर देते हैं, एक की वृद्धि कर देते हैं। ध्यान देना, अगर 3.16 से बड़ी रहेगा तभी वृद्धि करेंगे, छोटा या बराबर रहेगा तो नहीं। यहां समझ लो, से बड़ी माने जब बड़ी रहेगा तभी बढ़ाएंगे, बराबर रहेगा और छोटा रहेगा तब नहीं बढ़ाएंगे। जैसे देखो, जैसे
5.76 × 10^12 का कोटिमान ज्ञात करो। कोटिमान ज्ञात करो तो कोटिमान कैसे ज्ञात होता है इसका आंसर देखो। कोटिमान बराबर इसको मानक रूप में लिखा गया है ना, मानक रूप में नहीं रहेगा तो सबसे पहले मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में है तो इसको देखिए, इसको देखिए ध्यान से, 3.16 से बड़ा है कि नहीं, 3.16 से बड़ा है ना, तो कोटिमान में क्या था एक वृद्धि हो जाएगी। लिखा है यहाँ यह दशमलव वाली संख्या 3.16 से बड़ी है तो कोटिमान ज्ञात करते समय 10^10 में 1 की वृद्धि कर देते हैं। कितना हो गया 10^12 समझ में आया? और बराबर रहेगा, छोटा रहेगा तब नहीं बढ़ाएंगे, तब यही 10^10 वाला लिख देंगे। ठीक समझ में आया? और बताओ, जैसे एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ, चलो एग्जांपल दो है 0.0031 × 10^10 जिसका कोटिमान ज्ञात करो। ये कैसे होगा? 0.0031 × 10^20 है तो पहले इसको मानक रूप में लिखो। मानक रूप में कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3 दशमलव को 3 स्थान तक आगे भेजिए, 3.1 × 10^20 3 स्थान तक आगे भेजिए तो यहाँ क्या जाएगा, ऋण लगेगा। 3.1 × 10^12 कितना हो गया? 17। तो कोटिमान क्या होगा ध्यान से देखो, 3.16 से कम है ना, तो कोटिमान बस 10^17। ठीक, वृद्धि नहीं होगा। वृद्धि कब होगा? जब 3.16 से बड़ा रहेगा तभी, बराबर रहेगा छोटा रहेगा वृद्धि हमें नहीं करना है। ठीक, चलिए आज यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है, हम लोग अगले समय मिलेंगे।